Hello guys, welcome to Elite Study. So today we will go through our next chapter, that is input and output devices. तो जैसे हम सभी को पता है input devices कौन से होते हैं, जैसे हमारा mouse हो गया, ठीक है, mouse हो गया, keyboard हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, input devices होते हैं। तो input devices से हम क्या करते हैं, अपने system में input देते हैं। और output devices क्या होते हैं, जो हमारा processor कुछ result generate करता है, ठीक है, या उसको process करता है, वो वहाँ पर display होता है हमारा output devices में। जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया और माइक्रोफोन हो गया। ये सारे के सारे कौन है, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब ये देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो एग्जांपल ले लो, यहाँ से हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं। वो टाइप होने के बाद वो कहाँ पर है, प्रोसेसर के बाद। जैसे हम कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे वर्क करता है। तो कीबोर्ड का जो भी इनपुट आएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट वो सिग्नल जनरेट करेगा। जनरेट सिग्नल की हेल्प से ये बस के एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। फिर जो भी डाटा जाएगा वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, एबीसी टाइप कर रहा हूँ, तो वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो प्रिंट होता रहेगा हमारे डिस्प्ले पे, ठीक है। ऐसे से वर्क करता है वो, ठीक है। नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये इसकी एक क्या है, बेसिक वर्किंग है जो हमने कल देखी थी। उसके बाद जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे हमारा इनपुट डिवाइस आ गया कीबोर्ड। तो कीबोर्ड्स पे हम क्या करते हैं, अपना डाटा को एंटर करने का काम करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है, इनपुट देने का काम करते हैं कीबोर्ड से। और जैसे यहाँ पे कुछ वो लिखे हैं, कीबोर्ड्स की वो लिखी हैं, कीज़ कौन कौन सी थी, ए से लेके जेड तक होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, सिम्बल्स होते हैं उसमें, स्टार, हैश, एंड। और ये F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं उसमें कैप्स हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ठीक है। जो हमारा शिफ्ट हो गया और कंट्रोल हो गया, अल्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ जानना है, इनको मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाँ यहाँ पे लिखा, ठीक है, मॉडिफायर की कौन कौन सी हमारी, शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। ये पूछा था कई बार कि इनमें से एग्जाम्पल, मतलब 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा होगा इनमें से हमारी मॉडिफायर की कौन सी है। तो जो इन तीनों में से कुछ भी होगी, या ये तीनों भी होंगे ना, तो इन तीनों को आपने टिक करना है, मतलब ये ठीक है तीनों। उसके बाद हमारा माउस के, हमारा ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, पर इसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अगर वहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं दिया होगा तो वहाँ पे दिया होगा पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब माउस हमारा वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो हमने बेसिक मैथ में पढ़ा है 2D ग्राफ, ठीक है। तो मान लो ये हमारी स्क्रीन क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझा रहा तो नॉर्मल आप क्या करो, इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ समझ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, जीरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो मान लो मेरा, जैसे मैं माउस यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो ये मान लो मेरा अभी माउस इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे x की कुछ वैल्यू होगी, मान लो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, ठीक है। तो ये एज ए क्या जाएगा, इनपुट जाएगा, ठीक है। ये एज ए इनपुट जाएगा किसको, प्रोसेसर को। प्रोसेसर समझ जाएगा कि हमारा माउस इस वक्त यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो माउस है वो वर्क करता है। उसके बाद जैसे जैसे हम, मतलब स्टेप्स में इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। 20-30 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम हम ले गए 40-50 पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा क्या, माउस मूवमेंट करता रहेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, नंबर 1 पे ये, जो क्या वर्क करता है 2D मोशन पे वर्क करता है, ठीक है, रिलेटिव टू अ सरफेस, ठीक है। वही मैंने जो समझाया कि वो ट्रांसलेट करता है जो भी हमारा मोशन होगा, जो भी डिस्प्ले, जैसे मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा क्या मोशन ही है ना, जैसे मूवमेंट कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होंगे उनको डिकोड करके वो क्या करेगा, एज अ इनपुट सीपीयू के पास भेजेगा और जो भी हमें आउटपुट में दिखेगा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे अब हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इतने फास्टली वर्क करता है जैसे हमें लगता है कि हम इसको बहुत ईजिली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कई बार पूछा था कि माउस को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, डगलस एंगलवर्ट ने इसको डेवलप किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे पूछा था कि कितने तरह के माउस होते हैं, तो सबसे पहले मैकेनिकल होते हैं, फिर ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मैकेनिकल होते हैं, फिर ऑप्टिकल माउस होते हैं। तो मैकेनिकल माउस में भी कई और देखे होंगे जहाँ पे हम एक बॉल होती थी, ठीक है, उसमें मतलब ऐसे करके माउस था हमारा, ये नीचे क्या होता है सरफेस में बॉल होती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बॉल मूवमेंट करती थी वैसे वैसे हमारे जो मतलब मूवमेंट थी वो कैप्चर होती थी और एज ए इनपुट जाती थी। उसके बाद आगे हमारे ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस, ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये सेम हमारे मैकेनिकल माउस की तरह ही होते थे, पर ये क्या करते थे जो हमारी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्या करते थे उसको एज ए इनपुट प्रोवाइड करते थे हमारे सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या है कि ये यूज़ करता है हमारा जो एक ग्रिड मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, ग्रिड मैकेनिज़्म जैसे मान लो ये क्या एक तरह का हमारा ग्रिड है, तो एक इस तरह का मैकेनिज़्म यूज़ करेगा वो, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा था हमें? इसका फ़ायदा ये था हमें कि हम जो भी पहले क्या था कि हमें कोई मैकेनिकल पार्ट की मूवमेंट करनी पड़ती थी, ठीक है, इसमें भी हम मैकेनिकल पार्ट जो मतलब हमारी बॉल थी उसको मूवमेंट करना पड़ता था, ठीक है। ऑप्टिकल में भी हमें डिटेक्ट करने के लिए एक बॉल यूज़ करते थे, ठीक है, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल में लाइट नहीं डिटेक्ट करते थे, इसमें पूरा काम हार्डवेयर के थ्रू होता था, इसमें कुछ पार्ट हार्डवेयर का, कुछ लाइट सेंसिंग का। उसका जो हमारा थर्ड आ गया ऑप्टिकल माउस, इसमें फुल्ली जो आजकल हमारे लेटेस्ट आते हैं, आपने देखा होगा कि उसके नीचे रेड कलर की जो लाइट जैसे मतलब माउस अपना प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे नीचे रेड कलर की लाइट वो मतलब ऑन होती है, ठीक है। तो वो लाइट क्या करती है जैसे मतलब हम किसी भी सरफेस पे, मान लो हमारा ये माउस है, ठीक है, और ये हमारी सरफेस है, तो यहाँ पे जो भी लाइट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, ठीक है, ये मतलब मान लो लाइट इस सरफेस अभी स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो ये स्ट्राइक के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा अपनी मूवमेंट एज ए इनपुट देगा हमारे सिस्टम को, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा उसको मतलब जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे ना वैसे वैसे वो हमें एज अ इनपुट देता रहेगा और हम जो हमारी मूवमेंट है वो कैप्चर होगी और सीपीयू के पास जाते रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, हमारी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे हम क्या करते हैं इमेजेस वगैरह को स्कैन करते हैं, इमेजेस हो गए हमारे, डॉक्यूमेंट हो गए, उनको क्या करते हैं स्कैन करते हैं और उसकी क्या करते हैं इसको बोलते हैं हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर कॉपी, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। वो कौन कन्वर्ट करता है? हमारा स्कैनर कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्कैनर एक इमेजेस को कैप्चर करता है, फोटोग्राफिक प्रिंट्स को, पोस्टर को, मैगजीन को, ये सारे के सारे क्या कौन काम करता है स्कैनर हमारा। उसके बाद आ गया स्कैनर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आ गया हमारे फ्लैट बेड। फ्लैट बेड में क्या होता है कि जो हमारे स्कैनर होते हैं ना वो एक मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट होते हैं। मे बी किसी ने देखा होगा जैसे मतलब पुराने टाइप के जो स्कैनर होते थे, जैसे यहाँ पे ये फ्लैट होते थे, यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट रखते थे, इस जगह पे हम डॉक्यूमेंट रखते थे, ठीक है, फिर वो उसको स्कैन करता था और जो उसकी डिजिटल कॉपी होती थी वो सिस्टम में सेव करते थे हम, ठीक है। उसके आगे हमारे हैंड हेल्ड क्या हो गया कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे ना स्कैन डॉक्यूमेंट उसको हम क्या करेंगे ईजिली एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, हैंड हेल्ड में। जैसे हमारे हम क्या करते हैं जैसे हम मोबाइल से करते हैं, एक कैम स्कैनर हो गया जैसे, ठीक है, कैम स्कैनर जैसे एक एग्जांपल हो गया। इसमें हम क्या करते हैं इमेजेस को कैप्चर करते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैंड हेल्ड स्कैनर आ गए, ठीक है। फ्लैट बेड भी जिन्होंने मार्केट वगैरह में देखा होगा फ्लैट बेड, ठीक है, जैसे इस तरह का पैनल होता है उसका, यहाँ पे हम अपनी जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको रखते हैं और इसको फिर ऊपर से क्लोज करते हैं, फिर सिस्टम से हम इसको क्या करते हैं स्कैन करते हैं, जो भी इसकी डिजिटल कॉपी होती है उसको हम सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद आगे हमारी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है जो हमारी इमेजेस होती है उनको कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है किसी इमेजेस वगैरह को क्या करता है कैप्चर करता है और उसको क्या करता है डिजिटल फॉर्मेट में हमारी डिजिटल मेमोरी में सेव करता है। उसके बाद आगे हमारे माइक्रोफोन, इसको हम क्या बोलते हैं माइक भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है एक ट्रांसड्यूसर होता है जो क्या करता है जो हमारी साउंड होते हैं ना उसको क्या करता है इलेक्ट्रिक, हम जो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं ना वो क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड चलती है, तो साउंड को क्या करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इसमें कन्वर्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा साउंड सिग्नल होगा ना साउंड सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा होगा वो क्या करेगा और क्या काम करेगा कि जो डिजिटल सिग्नल होगा उसको किस में, साउंड सिग्नल में, जैसे हमें अपने म्यूज़िक वगैरह में सुनाई देता है, जैसे हम अपने स्पीकर में सुनते हैं, तो स्पीकर में क्या काम होता है, बेसिकली जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हमारा साउंड सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आगे हमारी जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक भी क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जिसको जॉयस्टिक नहीं पता, जो आजकल जैसे प्ले स्टेशन में हम रिमोट के द्वारा गेम खेलते थे, ठीक है, तो वो रिमोट भी क्या एक तरह का जॉयस, मतलब एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस ही है, ठीक है, एक तरह का जॉयस्टिक है। एक पहले के टाइम में कैसे तरह इस तरह का डिवाइस होता था जिसके द्वारा हम मूवमेंट करते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक, ठीक है। इसको भी मतलब गेमिंग के लिए यूज़ करते थे कंप्यूटर में, तो ये भी क्या है का हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया, फिर नेक्स्ट हमारा आ गया जैसे हमारा OCR आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकल स्कैनर डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे MICR इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद OMR आ गई, जैसे हम जिसमें हम एग्जाम वगैरह देते हैं उसकी, ठीक है, जो OMR शीट्स वगैरह फिल करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा डिवाइस है जो उसको मतलब चेक करने का काम करता है, ठीक है, वो होता है हमारा OMR, ठीक है। उसका आ गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, OCR, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनको ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है, MICR, OMR और OCR। जैसे यहाँ पे OMR, ठीक है, OMR मैंने बता दिया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, ये करता है कि कैप्चर करने का काम करता है जो भी ह्यूमन ने डाटा को, जैसे मैंने OMR को बता दिया, जैसे हम OMR शीट्स में अपने डाटा को फिल करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें फिलिंग डाटा होगा ना, हमें क्या, मान लो कि जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने में हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास एक शीट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को फिल करते हैं, तो ये आंसर एज अ कॉपी कहाँ जाती है, OMR में जाती है। OMR क्या करता है, जहाँ जहाँ पे आपने ये फिलिंग की होती है ना, उसमें एक आंसर की दी होती है उसमें, ठीक है, आंसर की एज अ इनपुट दी होती है, तो ये इनपुट को आपके एज अ दूसरे जो हार्ड कॉपी की इनपुट है इसके साथ मैच करते हैं, जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज़ मैच करेगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर वहाँ पे उनको उनमें सेव हो जाता है सिस्टम में, ठीक है। तो ऐसे काम करता है जो हमारा OMR है। फिर आ गया OCR करके था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है कि ये सारी की सारी अभी क्या है एक PDF फॉर्म में है, ठीक है, ये जिस जो भी हमने डॉक्यूमेंट अभी ओपन किया है, तो मुझे क्या करना है कि इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी कैरेक्टर को अपने या फिर वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं OCR, ठीक है। OCR क्या करता है, इन सारे करैक्टर को एडिट करके, ठीक है, इनको क्या कर देता है, एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि मैं इनको ईजिली एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, दिस डिवाइस इज कैपेबल फॉर डिटेक्टिंग अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक करैक्टर, वही मतलब हो गया कि मान लो कि मुझे इसको एडिट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इनको OCR में और विद द हेल्प ऑफ OCR, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को एज ए इनपुट पास करूँगा, तो OCR करेगा जितने भी कैरेक्टर वगैरह होंगे, ठीक है, इनको क्या करेगा फिर मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इसने OCR की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो मैं इतना इतना पार्ट अपने माउस की हेल्प से कॉपी या पेस्ट करके कुछ भी कर सकता हूँ, फिर एक तरह का एडिट कर सकता हूँ फिर अपने डॉक्यूमेंट को। इसको तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, OCR की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आगे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये क्या करता है, जितने हमारे जो हमारे जैसे हम किसी को चेक देते हैं, तो चेक में जैसे यहाँ पे एक तरह की वो लाइंस वगैरह स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर लिखा था Q 1 2 Z, मतलब एक तरह का यूनिक नंबर होता है, यहाँ पे क्या लगा था एक तरह की इंक लगी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये मतलब एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने चेक देखा होगा, ठीक है, उसके यहाँ पे नीचे जैसे लिखा होता कि ये यहाँ पे होता, अलग अलग बैंकों का हिसाब होता कि ये हमें यहाँ लगा तो आपका स्ट्रिप, ठीक है। तो ये बैंकिंग में यूज़ किया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जब भी हम कोई अपना चेक वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये देखने को मिल जाएगा। उसके आगे हमारा ग्राफिक टैबलेट क्या हो गया, जो भी जैसे मतलब जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ड्राॅइंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई मेरे पास एक टैबलेट होगा, उसके ऊपर मान लो मैं कुछ ड्राइंग कर सकता हूँ ना, तो वो सारे के सारे क्या आ जाएगा, हमारा ग्राफिक टैबलेट्स में आ जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर मैं ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकूँ, वो सारे के सारे क्या है, मेरे ग्राफिक टैबलेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ग्राफिक टैबलेट इन कंप्यूटर, वो क्या इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जिसके द्वारा हम हैंड ड्राइंग, इमेजेस बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल, हाँ ये चीज़ रखना, जो हमारा स्पेशल पेन होता है ना, ठीक है। जैसे किसी ने सैमसंग का नोट देखा होगा, सैमसंग का जो नोट फ़ोन आते हैं ना, उनके साथ एक क्या बोलते स्टाइलर आता है, एक तरह का पेन आता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिख सकते हैं, कुछ चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अपनी मतलब ड्राइंग कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़, इसको क्या बोलते हैं, जो डिवाइस होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइलर बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टाइलर बोलते हैं। और ये तो सैमसंग का जो नोट फ़ोन होगा, ये तो मे बी किसी एड्स वगैरह बहुत आती हैं इनके, ये मे बी आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद आ गया हमारा लाइट पेन। तो लाइट पेन भी क्या है, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा मॉनिटर होता है ना, उसके ऊपर दूर से मतलब क्या करते हैं, उसको एज ए लाइट क्या स्ट्राइक होती है, और वो स्ट्राइक एज ए जहाँ जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा होता है ना, वो हमारा जहाँ जहाँ पे मतलब उसको मूवमेंट कर रहे थे, वो एज ए इनपुट जाती है हमारी सिस्टम में, ठीक है, CPU में जाती है। और CPU उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, जो हमारा कुछ भी हम काम कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो वो क्या कौन होता है, हमारा लाइट पेन होता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे पूछा था कि कौन सा मैकेनिज्म वगैरह यूज़ किया जाता है, जो हमारा फोटो सेल वगैरह होता है ना, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखना लाइट पेन इज़ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है मेन्यू ऑप्शन, ठीक है, मॉनिटर वगैरह। तो लाइट पेन इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, माउस की तरह ही होता है ये भी। वो क्या करता है, डिस्प्ले मेन्यू ऑप्शन कंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटो सेल प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, स्मॉल ट्यूब, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर मूवमेंट करते हैं, और जो सरफेस उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके एज ए इनपुट देता है, वो सारा का सारा काम करता है लाइट पेन। उसके बाद आ गया हमारा विज़न इनपुट सिस्टम। विज़न इनपुट सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे आजकल जो हमारा AI का कंसेप्ट चला है, AI में क्या करते हैं, जो कैमरा क्या है, हमारा विज़न है, ठीक है। कैमरा क्या एक तरह का, हमारा एक तरह का आंख बन चुकी है हमारे, जैसे ह्यूमन की आईज होती, तो वैसे ही सिस्टम की आई क्या आजकल कैमरा है। तो कैमरे से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी को भी किसी का भी फेस को एज अ पहले से मान लो हमने एक मॉडल बना के रखा है किसी पर्सन का, कि अगर ये जैसे मतलब पहले होता था ना पुराने ज़माने में, हम इमेजेस कैप्चर करके रखते थे, कोई मुजरिम होता था उसकी मतलब फ्रंट फेस, साइड फेस, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का फेस की एक तरह का कैप्चर बना के रखते थे। तो वो कैप्चर हम क्या करेंगे, AI में क्या करते हैं, हम उस कैप्चर को एक तरह का मॉडल बना देते हैं उसको, कि मान लो अगर ये X नाम का पर्सन है, ठीक है, अगर ये X नाम का पर्सन को हमें सर्च करना है कि वो कहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, इसको एज अ हम ट्रेन कर देंगे कि तुम्हें इस मतलब करेक्टरिस्टिक का कोई भी पर्सन दिखेगा तो तुम हमें अलर्ट, ठीक है, प्रोवाइड कर दो। तो जैसे कैमरा इस बंदे को कैप्चर करेगा, ये कैप्चर एज अ इनपुट जाएगा, ठीक है, एज अ इनपुट जाएगा। तो वो इनपुट क्या करेगा, जो इसके पास ये पर्सन की पहले से कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ मैच करेगा, ठीक है। मैच करने के बाद वो क्या करेगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो क्या करेगा, सिस्टम को बोलेगा ये पर्सन यहाँ पे है, इस लोकेशन पे, इस जगह पे है, वो उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। तो वो एक तरह का क्या है, कैमरा क्या एक तरह का उसका सिस्टम का विज़न बन गया। तो विज़न इनपुट सिस्टम में ऐसे ही काम करता है। वो क्या करता है, जो भी हम जैसे ह्यूमन देखते हैं ना आईज से, तो वो क्या करेगा, जो सेंसर वगैरह होते हैं उसके, उनकी हेल्प से देखेगा, विज़न सेंसर की हेल्प से देखेगा, और जो भी उसकी एज ए इनपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको एज ए इनपुट प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके आ गया वॉइस इनपुट। तो इसके वॉइस के जैसे वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम के जैसे लाइव एग्जांपल, जैसे हम गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल का यूज़ करते हैं असिस्टेंट, ठीक है, गूगल का असिस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 का कोर्टाना, ठीक है, असिस्टेंट यूज़ करते हैं विंडोज़ का। तो ये क्या है, एक तरह के वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम है एक तरह के। तो ये कहता है जो भी हमारी वॉइस होती है इसको मतलब रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का एज ए इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको उन कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज़, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली टाइप होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम क्या होता है, वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके बाद जैसे एप्पल का हो गया सीरी, ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे एप्पल का सीरी हो गया, अमेज़ॉन का एलेक्सा हो गया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमेज़ॉन का एलेक्सा हो गया। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कार्ड रीडर। कार्ड रीडर क्या होता है, जितने हमारे एक तरह का ऐसा डिवाइस है ना, वो क्या करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि हरमन हॉलैंड ने क्या किया था, पंच कार्ड्स को इन्वेंट किया था, ठीक है। तो पंच कार्ड मैंने पहले बता दी कि जहाँ पे मान लो कि होल किया होगा उसको तुम वन मान लो, और जहाँ पे होल नहीं किया उसको जीरो मानो, तो ये एज अ 1010 इनपुट होगी। तो इसको कौन समझेगा, उसको समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, ठीक है। तो वो कार्ड रीडर क्या होगा, एक तरह का डिवाइस होगा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको जो भी पंचड किया होगा ना उसको एज अ उसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एक्चुअल में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उसको। उसका था कि हमें बारकोड रीडर, बारकोड रीडर हमें पता है ये बारकोड, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बारकोड है तो उसको रीड करने के लिए कुछ डिवाइस लगता है, ठीक है, उसको रीड करने के लिए कुछ डिवाइस लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा कुछ ऐसे ऐसे करके बारकोड है, ठीक है, ये हमारा बारकोड है तो उसको कुछ रीड करने के लिए कोई डिवाइस लगता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके बाद आ गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बारकोड तो मैं भी सभी ने देखा, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो हम वहाँ बोलते हैं कि अपना यूपीआई का अपना वो ओपन करो, ठीक है, बारकोड वगैरह ओपन बताओ हमें, ठीक है, वो सारा का सारा हम ओपन करते हैं, फिर हम पेमेंट करते हैं। तो बारकोड में बेसिकली होती है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है उनमें। उसके बाद आ गया हमारा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मैंने पहले बताया जो हमारा सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग का जो हमें डिस्प्ले करता है वो सारा का सारा कहाँ पे आता है, वो आउटपुट में आता है, ठीक है। चाहे वो डिस्प्ले कर रहा हो, चाहे वो कुछ प्ले कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले कर रहा हो, चाहे कुछ प्ले कर रहा हो, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे, हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे, ठीक है। आउटपुट में हमारी हार्ड कॉपी भी आ सकती है और सॉफ्ट कॉपी भी आ सकती है। जैसे हार्ड कॉपी हमें कौन देता है, जो हमारे प्रिंटर वगैरह होते हैं वो हमें हार्ड कॉपी देते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी जैसे हम उसको देख रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर देख रहे हैं तो वो उस टाइम पे सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। ये उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो हमारे विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, वीडियो वगैरह क्या हमारे जैसे मॉनिटर है ये, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। उसका जो हमारा प्रिंटर हो गया, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे क्या हमारे आउटपुट डिवाइस है जो क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारे आउटपुट देने का काम करते हैं। उसके बाद आ गया मॉनिटर। मोनीटर नंबर 1 पे अगर मोनीटर दो तरह के होते हैं, सीआरटी हो गया, फिर टीएफटी एलसीडी हो गया। इनकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीआरटी एक कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद टीएफटी एलसीडी, एलसीडी की तो सभी को पता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। टीएफटी की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। और एक होता है एलईडी, लाइट एमिटर डायोड, ठीक है, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा जैसे यहाँ पे जो हमारे आउटपुट डिवाइस है, जैसे यहाँ पे लिखा है हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर देता है, सॉफ्ट कॉपी हमें कौन देता है, मॉनिटर देता है, ये मैंने पहले बता दिया। उसके बाद जो हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी जो हमें पेपर पे मिलती है, तो जो हमारा बेसिक साइज़ होता है जो हर कहीं यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, A4 शीट का साइज़ होता है जो। उसका जो हमारी सॉफ्ट कॉपी है जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, जैसे हम कोई PDF ओपन करते हैं वो हमें दिख रही होती है, ठीक है, एज अ सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आ गया हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होता है, हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह, मतलब जो भी हमारे इनपुट या आउटपुट आ रही है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है वो। उसके बाद आ गया हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आ गया हमारा, जैसे कोई भी हम प्रिंट करते हैं किसी चीज़ को, वो किसके हेल्प से करते हैं, प्रिंटर। तो ये करता है हमें हार्ड कॉपी देने का काम करता है, ठीक है, हार्ड कॉपी देने का काम करता है हमारा प्रिंटर। उसका प्रिंटर के बहुत सारे आगे टाइप्स होते हैं, इसको हम देखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे हम इम्पैक्ट क्या बोलते हैं कि कोई दो चीज़ आपस में टच हो रही है, ठीक है, कोई दो चीज़ आपस में टच हो रही है ना तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट कर रही है वो दोनों। तो जो चीज़ें आपस में टच हो रही होंगी ना उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। इनमें हम रिबन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें रिबन का यूज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट में हम रिबन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दो पार्ट्स आते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में तो सीधा ही आ गया लेज़र प्रिंटर, इंकजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो जो हमारे इनकी कई बार स्पीड पूछी जाती है ना, जो हमारे करेक्टर प्रिंटर होते हैं ना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, करेक्टर की स्पीड मेज़र की जाती है करेक्टर पर मिनट, और लाइन की जाती है लाइंस पर मिनट, ठीक है। और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट होती है इनकी की जाती है पेजेस पर मिनट। इन चीज़ को नोट कर लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका जो हमारा नंबर 1 पे आ गया डेजी व्हील। डेजी व्हील में क्या होता है कि एक तरह का ना व्हील लगी होती है, ठीक है, जैसे हमें पता ना ये क्या एक तरह का व्हील है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी करेक्टर होंगे ना यहाँ इस जगह पे लिखे होंगे, ठीक है, इस जगह पे वो करेक्टर लिखे होंगे। मान लो यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी डी ई, ठीक है। तो फिर जो भी एज अ इनपुट आएगा ना उसको सिस्टम पर, यहाँ पे ये क्या लगी होगी, रिबन लगी होगी, ठीक है। रिबन में क्या होगा, कुछ कलर होगा, ठीक है। अगर वो ब्लैक और वाइट प्रिंट करती है तो ये रिबन किस कलर का होगा, ब्लैक में, ब्लैक कलर का पूरा रिबन होगा ये। तो जैसे मान लो किसी पर्सन का नाम आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो उसका नाम अमन है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ए नाम को मतलब स्ट्राइक करेगा विद द हेल्प ऑफ एक हैमर होगा। तो हैमर क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक पेज होगा। तो जैसे ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर तो जो ए है उसका इंप्रेशन पड़ जाएगा उसके ऊपर। फिर मान लो अगला करेक्टर है एम, ठीक है, एम ए एन, ठीक है, ऐसे करके क्या करेगा वो पूरे के पूरे नाम को प्रिंट करने का काम करेगा। उसका बाद हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब प्रिंट आएगा ना वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स आएगा। जैसे आपने कहीं देखा होगा, जैसे कोई जो आउटपुट आती है कि जैसे मतलब पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में एक जैसे हम कोई पर्ची वगैरह कटवाती हैं स्पीड पोस्ट वगैरह की, तो जो हमें एक तरह की जो स्लिप मिलती है वो भी किस में निकली होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निकली होती है, ठीक है। किसी ने नहीं देखा होगा तो कभी मौका मिले तो उसको देखना, ठीक है। तो वो इन द फॉर्म ऐसे करके प्रिंट करता है। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करते हैं, जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं वो एक एक करेक्टर करके क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर क्या करते हैं, फुल लाइन एक बार में प्रिंट करते हैं। और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो पूरी की पूरी एक पेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। तो इनमें ये डिफरेंस है मेन। उसके बाद ड्रम प्रिंटर में क्या होगा, एक तरह का ड्रम होगा, ठीक है, ड्रम में वो सारे के सारे करेक्टर लिखे होंगे बेसिकली, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट करने का मतलब कि वो शीट और उसके साथ इम्पैक्ट में तो आएंगे, टच करेंगे आपस में। उसके बाद आ गया हमारा लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर में क्या होगा कि जैसे लेज़र प्रिंटर तो सबने देखा होगा, जैसे मतलब हम क्या करते हैं नॉर्मली किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो उसके मतलब यहाँ पे एक हार्ड कॉपी रखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बटन्स वगैरह तो उनको प्रेस करते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब जो पेजेस का होता है कार्ट्रिज, वहाँ पे क्या करते हैं, हम पेजेस रखे होते हैं। जैसे मतलब कोई इनपुट कमांड मतलब कमांड दी है यहाँ से, ठीक है, कमांड दी, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा पेज है, ठीक है, वो यहाँ पे एक तरह की वो लेज़र लाइट जाएगी। लेज़र लाइट पूरे के पूरे पेज को स्कैन करेगी। उसको स्कैन करने के बाद जो भी हमारा नीचे पेज होगा उसमें क्या कर देगी, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट कर देगी। और जो प्रिंट होगा वो हमें डिस्प्ले होकर बाहर निकलेगा, वो हार्ड कॉपी हमें बाहर मिल जाएगी। तो ऐसे से काम करते हैं वो लेज़र, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में क्या करेगा, वो इंक होगी कोई, ठीक है, मान लो ये बहुत सारी इंक है, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी से हमें पता है हम सारे के सारे कलर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं ना, ये कलर मतलब आउटपुट देने का काम करते हैं हमारे इंकजेट प्रिंटर वगैरह। तो जो हमारे आरजीबी हो गया, तो आरजीबी से हमें पता है, ठीक है, आरजीबी से हम क्या कर सकते हैं, ऑल कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइमरी कलर होते हैं ऑल कलर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनसे हम सारे कलर के सारे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारे इंकजेट प्रिंटर है वो क्या करेगा कि कुछ जैसे मतलब मान लो मुझे किसी ग्रीन कलर में प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों इन सभी का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेगा। जैसे ग्रीन है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, ग्रीन को लेगा। तो इसमें क्या इनपुट जाएगी सिस्टम में, 0, 255 और 0, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं इनकी आरजीबी की। ये मतलब इतनी रेंज होती है इनकी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उस टाइम पे प्रिंट हो रहा होगा वो किस में प्रिंट होगा, ग्रीन में, ठीक है, क्योंकि 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ग्रीन को सेट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह ये प्रिंटर वगैरह वर्क करते हैं। उसके बाद थर्मल प्रिंटर होते हैं। थर्मल प्रिंटर में क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हम क्या करते हैं, हीट, ठीक है, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, हीटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह देने का काम करते हैं। और जो इनका आउटपुट आती है ना, जैसे हम फैक्स, इसका एग्जांपल मान लो जैसे फैक्स होते हैं, जैसे हम फैक्स करते हैं ना, तो फैक्स में क्या होता है, मतलब कभी भी किसी ने फैक्स की आउटपुट देखी ना, वो देखना थोड़ी ब्लैक आती है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा मतलब हमारा हाथ वगैरह टच हो जाए तो वो मिस प्रिंट हो जाती है उस जगह का, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर की ना जो सबसे जो मतलब बेकार टाइम होता है ना, सबसे कम और सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी जो उसका इंक वगैरह उड़ जाती है वो किसकी होती है, थर्मल प्रिंटर की होती है, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ हीट की वजह से जनरेट हुए होते हैं। उसके बाद हम जैसे हमारे यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लो। इम्पैक्ट पेंटर क्या होगी, वो क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे रिबन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं इम्पैक्ट पेंटर बोलते हैं। वो सारा का सारा लिखा है। दो तरह के होते हैं कैरेक्टर लाइन, ठीक है। कैरेक्टर में हम क्या करते हैं कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डेजी व्हील में भी क्या होगा कि मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं मेटल हब बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं स्ट्रोक्स करते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया। हम एक तरह का व्हील होगी उसके ऊपर कैरेक्टर लिखे होंगे, उस तरह का होता है। इसका ये पूछा था कि किसने उसको इन्वेंट किया था, डॉक्टर एंड्रयू गैबर, ठीक है, इसने इन्वेंट किया था। और डेविलियो डाटा सिस्टम के दौरान फिर आके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो यह करता है मतलब करेक्टर बाय करेक्टर, ये भी वैसे ही प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो उनकी स्पीड पूछी जाती है कि बार जैसे यहाँ पर लिखा है 360 करेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सेकेंड कर लेना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या जैसे करेक्टर्स पर सेकेंड। और उसके बाद जैसे यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स आ गया, इन सभी का थोड़ा वो कर लेना, देख लेना एक बार, ठीक है। वहाँ पे मिनट्स नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा सेकंड, ठीक है। पेजेस या फिर जो भी है पेजेस पर सेकंड और जो भी था करेक्टर्स पर सेकंड, इन सभी को एक बार करेक्टर यहाँ पे मिनट की जगह सेकंड आएगा, बस इनको वो कर लेना। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट आ गया हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करेगा एक पूरी की पूरी लाइन को एक ही टाइम पे प्रिंट करेगा। वो सारी की सारी यहाँ पे क्या थ्योरी लिखी है जो मैंने आपको ऊपर समझा दी, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, ड्रम होते हैं, चेन होते हैं। उसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ गया जो मतलब शीट के साथ टच में नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट। इसमें दो तरह के होते हैं, लेज़र हो गया, ठीक है, इंकजेट हो गया, फिर आ गया थर्मल, ठीक है। लेज़र मैंने पहले बता दिया कि वो क्या करेगा जो भी हमारे हार्ड कॉपी की उसकी एक कॉपी जनरेट करेगा और उसको एज ए इनपुट देगा सिस्टम में, मतलब प्रिंटर के अंदर। तो वो प्रिंटर उसको क्या करेगा फिर से प्रिंट करके उसको डिस्प्ले करके मतलब आउटपुट दे देगा उसको। फिर इंकजेट प्रिंटर आ गया जी, हमारी आरजीबी कलर की कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। तो मतलब कलर का कॉम्बिनेशन बना के वो क्या करेगा जो भी हमारा इमेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा उसको प्रिंट कर देगा। उसके आगे हमारा थर्मल प्रिंटर, इसका जो एग्जाम्पल होता है जो हमारी फैक्स मशीन वगैरह होती हैं जिनमें हम फैक्स करते थे पहले के ज़माने में। अब थर्मल जो प्रिंटिंग होती है वो क्या कहते हैं डिजिटल प्रोसेसिंग, वही लिखा है यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसमें जो हीटिंग जो कोटेड की जाती है ना वो किसकी की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है थर्मोक्रोनिक पेपर, ठीक है, इसकी कोटिंग की जाती है या फिर वो थर्मल पेपर बोल सकते हैं उसको। उसके बाद आगे हमारे प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर भी क्या है एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर में जैसे सभी ने देखा होगा जैसे हम कोई बैनर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो किसी शॉप के बाहर आपने बैनर वगैरह देखे होंगे ना, वो किसकी हेल्प से बनते हैं, प्लॉटर की हेल्प से बनते हैं। कई बार ये पूछा जाता है ये कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है, ठीक है। मैकेनिज्म यूज़ करता है वो करता है वेक्टर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर होता है, एक होता है बिट मैप, ठीक है। एक वेक्टर होता है और एक बिट मैप होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा जैसे मतलब ये सारा, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं चार्ट मैप इंजीनियरिंग, वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्लॉटर्स में आते हैं। ये क्या है वेक्टर ग्राफिक्स हैं। उसके आगे हमारा फ्लैट बेड, ये मतलब तीन तरह के प्लॉटर होते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जो भी हमारे डिवाइस होगा ये क्या करेगा पेन के द्वारा हम क्या करेंगे मतलब ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं मतलब एक तरह का होगा क्या बोलते हैं प्लॉटर ही होगा, पर क्या करेंगे वहाँ पर हम ड्रॉ करके और जो भी ड्रॉ करेंगे उसकी एज ए इनपुट मतलब इनपुट ड्रॉ करेंगे और वो आउटवर्ड में जनरेट हो जाएगी। ड्रम प्लॉटर में क्या करेगा जो भी हमारा पेन और वो जो ड्रम होंगे ना वो दोनों की क्या करेंगे ड्राइंग करेंगे, ठीक है। जैसे होता नहीं है मतलब मान लो कि कुछ ड्राइंग मैंने एज ए इनपुट दे दिए पहले ही इमेज, और वो क्या करेगा उसको ड्रॉ करते रहेगा मतलब पेन वो मूवमेंट करेगा उसको ड्रॉ करेगा और साथ साथ में जो भी शीट है वो क्या करेगी मतलब आउटपुट में बाहर निकलती जाएगी 1 by 1। उसका आ गया इंकजेट। इंकजेट में क्या करेगा जो हमारा पेन होगा ना उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे जो स्प्रे होगा, इंकजेट का स्प्रे होगा, ठीक है। इंकजेट का स्प्रे होगा ना जैसे, ठीक है, कोई स्प्रे होगा उसको यूज़ करेंगे प्लॉटर में। तो जो भी मतलब इमेज वगैरह करनी होगी उसको हम क्या करेंगे उसके ऊपर शीट के ऊपर स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो वो स्प्रे करता जाएगा और वो जल्दी जल्दी उसको आउटपुट देता जाएगा उसकी, ठीक है, हार्ड कॉपी देता जाएगा। और ये सबसे फास्ट होता है इन दोनों में से। उसके बाद आ गया टर्मिनल। टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं ये दोनों इनपुट और आउटपुट यूनिट का काम करता है, ठीक है। जैसे हम टर्मिनल इन द फॉर्म जैसे हम आपका हम क्या कर रहे हैं टर्मिनल क्या बोलते हैं रिमोट कंप्यूटिंग ही बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल को एक चीज़ याद रखना, टर्मिनल हमको एक और भी बोलते हैं। एक बार पूछा था कि रिमोट कंप्यूटिंग के लिए कौन सी मतलब डिवाइस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो टर्मिनल होता है, ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग। रिमोट कंप्यूटिंग के लिए किसकी यूज़ करते हैं, टर्मिनल। तो टर्मिनल कोई भी, जैसे मतलब कोई डम्ब, जैसे मतलब मानो आपके पास ये सिस्टम है, बस आपके पास यही सिस्टम पड़ा है, आपके पास और कुछ नहीं है, तो आप जो भी इनपुट आउटपुट कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसको तुम आप क्या कर रहे हो, किसी और सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, मान लो इसके पास सब कुछ पड़ा है, अपना प्रोसेसर भी है, सब कुछ भी है, आप कुछ भी लिख रहे हो वो इसके पास जाएगा, फिर ये अपने सिस्टम में प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो ये क्या आप तरह का क्या काम कर रहा है, ये टर्मिनल का काम कर रहा है। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो कहाँ पे होगी, रिमोट साइड पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट साइड। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट का भी, क्योंकि हेडफोन से हम किसी को मतलब बात भी कर सकते हैं और उसकी जो हमें वो बोल रहा है वो भी हमें रिसीव होता है। तो हेडफोन दोनों का काम करता है। पर माइक किसका काम करता है, माइक सिर्फ एज अ इनपुट देने का काम करता है बस। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, माइक क्या करता है, इनपुट ही देता है, तो जो हेडफोन है वो दोनों का काम करता है। फिर आगे हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या एक तरह का हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। प्रोजेक्टर में पता है हम जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टर एक, जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम HDMI पोर्ट से या अपने सिस्टम में मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन, वो कहाँ होगा, इस शीट के ऊपर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मान लो ये कोई वाइट शीट है, ठीक है, तो वाइट शीट के ऊपर क्या करेंगे हम, प्रोजेक्टर की हेल्प से कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा GPS। GPS को बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे फ़ोन में सभी ने यूज़ किया होगा GPS वगैरह को, ठीक है, GPS ट्रैकिंग बोलते हैं कि बार इसको, GPS सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं, 3-4 नाम है इसके। ठीक है, तो इसमें ये पूछा था, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, तो जो किसने इसको वो किया था, सबसे पहले डेवलप किया था, नेवस्टार ने किया था, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ये सब थोड़े बेसिक्स में है। उसके बाद जैसे हमारा आ गया साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मैंने पहले बता दिया कि जो भी हमारा साउंड होगा उसको उसको क्या करेगा, क्या बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट देने का काम करेगा। जैसे मतलब साउंड में क्या करते हैं हम, साउंड कार्ड क्या करेगा, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और फर्दर जब मैं उसको सुन रहा हूँ ना, तो साउंड कार्ड की हेल्प से वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा सॉन्ग मतलब ऑडियो सिग्नल में, ऑडियो सिग्नल से फिर वो जो हमारा स्पीकर वगैरह का उसमें वो हमें सुनाई देगा। ठीक है, वो सारा का सारा कौन काम करता है, साउंड कार्ड। उसके बाद हमारा वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड भी सेम है, ये वर्क करेगा बस वीडियोस के ऊपर। उसके बाद हमारा ये समरी आ गई। वीडियो कार्ड क्या होता है, वही मतलब एक तरह का कार्ड होता है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम में लगा होता है। वो क्या करता है, जो जितनी हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग कुछ भी काम होगा उनके लिए वो सहायक होता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया डिजिटाइज़र। ठीक है, डिजिटाइज़र क्या होता है, जिस पर हम मतलब कुछ भी ड्राइंग वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिजिटाइज़र। जैसे हमारे को ड्राइंग पेन वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे ऊपर सैमसंग का मैंने बताया ना, एक स्टाइलर होता है, एक पेन होता है, उस तरह का हमारा डिजिटाइज़र होता है, जिसके हम क्या करते हैं, ड्राइंग इमेजेस को अपने टैबलेट के ऊपर वो करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटाइज़र। उसके आगे हम हार्ड कॉपी टर्मिनल। हार्ड कॉपी में क्या होगा, जो हमारा प्रिंटेड कोई भी चीज़ होगी ना, जिसको हम टच कर सकते हैं बेसिकली, वो होगा हमारा हार्ड कॉपी टर्मिनल। उसके बाद स्पीकर क्या, ये हमारा क्या, जो भी हमारे आउटपुट डिवाइस है, या हम जो भी हम गाने सुनेंगे, म्यूजिक मतलब कुछ भी करेंगे, वो सारा हमें सुनाई देगा स्पीकर की हेल्प से। उसके आगे हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोशन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया, मोशन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा माउस या फिर कुछ भी होगा वो मूवमेंट करेगा। उसका आगे जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक तरह का क्या पॉइंटिंग डिवाइस ही है, जिसको हम गेमिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर हमें पता है, जो हमारे बारकोड्स को रीड करेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। तो जैसे किसी ने विशाल मेगा मार्ट में, ठीक है, जो जिन्होंने विजिट किया होगा विशाल मेगा मार्ट में, तो जैसे हम कुछ सामान वगैरह लेते हैं तो एक हमारे जो प्रोडक्ट के नीचे एक बारकोड दिया था, उसको क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं बारकोड मशीन की हेल्प से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जैसे वो स्कैन करते हैं, वो सिस्टम में वो क्या करती है, उसके स्लिप के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी आइटम लिखती है। मान लो एक पर्सन ने एक आइटम लिया, उसका प्राइस है 500, तो वो बारकोड स्कैन करेगा, वो 500 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, 500 200, तो जो भी वो आइटम लेगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसका आइटम का नाम और उसकी प्राइस कितनी है, वो सारी क्या सिस्टम में इनपुट होती जाएगी। तो उस तरह काम करता है हमारा बारकोड रीडर। फिर आगे हमारा इमेज स्कैनर। इनके इमेज स्कैनर क्या करता है, इमेजेस और स्कैन करने का काम करेगा। उसका आगे सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये PDF देख रहे हो, तो ये क्या एक तरह की आपके लिए सॉफ्ट कॉपी है। उसके आगे हमारी हार्ड कॉपी जिसको हम टच कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैरेक्टर वगैरह को 1 by 1 प्रिंट करते हैं। इंकजेट हो गया, इंकजेट में क्या आती है, हमारी RGB की कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया जाता है। उसके आगे हमारा स्कैनर आ गया। स्कैनर क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस है, वो क्या करता है जो हमारी हार्ड कॉपी होगी उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। OCR आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं जो भी हमारे मतलब डाटा होता है ना उसको हम क्या कर सकते हैं एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा था कि कौन से डिवाइस की हेल्प से हम जो हमारी डाटा होता है उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं OCR। उसके आगे डंप एक ऐसा डंप भी एक तरह का टर्मिनल होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है डाटा को इनपुट देने का काम करता है, तो टर्मिनल। उसके बाद आ गया टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल भी क्या है एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जिसमें हम कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड भी होता है कि डिस्प्ले डिवाइस, ये सारे के सारे कौन से होते हैं टर्मिनल ही होते हैं। ठीक है, टर्मिनल एक ऐसा डिवाइस हो सकता है ना इनपुट डिवाइस जिसके पास क्या होगा अपना कीबोर्ड होगा, अपना वीडियो डिस्प्ले, तो एक तरह की अपनी स्क्रीन होगी, ठीक है, और कम्युनिकेशन लाइन होगी जिसके द्वारा वो क्या करेगा कोई भी इनपुट होगा उसको भेजेगा दूसरे रिमोट सिस्टम के पास। ठीक है, ये बार पूछा जाता है कि एक कमांड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, टेलनेट की कमांड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेलनेट बोलते हैं, एक कमांड है वो, ठीक है, वो किसके टर्मिनल मतलब टर्मिनल्स के में बेसिकली यूज़ की जाती है कमांड। अब किसने यूज़ की होगी तो उसको पता होगा टेलनेट कमांड। ठीक है, उसके बाद जैसे फर्दर नेक्स्ट आ गया हमारा MIDI, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये करता है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जैसे हमारा कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है गिटार बजा रहा है अपना, ठीक है, तो गिटार बजाने उसके साथ एक देखा होगा कि इतनी लंबी तार लगी होती है, वो तार लगी होती है वो किसी एक ना किसी सिस्टम के साथ अटैच होती है, तो इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं MIDI बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, वो क्या करता है कि जो भी आपका मतलब सिग्नल का जो भी साउंड सिग्नल का आउटपुट आ रहा है ना उसको ऐसे इनपुट देता है MIDI में। MIDI क्या करता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जितनी उसकी वेव हाई कम जा रही है ना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको। उसके बाद आ गया हमारा फंक्शनल कीज, ठीक है, फंक्शनल कीज हमारे सिस्टम में F1 से लेकर F12 तक होती है, इनका अलग अलग काम होता है फंक्शंस का। ठीक है, कई बार पूछा था कि मतलब किसी डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे F2 यूज़ करते हैं, तो इस तरह की फंक्शन की पूछी जाती हैं। उसका नेक्स्ट आ गया बैक स्पेस, ठीक है, वो करैक्टर को इरेज करने के लिए। एस्केप आ गया किसी एप्लीकेशन से बाहर जाने के लिए या किसी कमांड से बाहर जाने के लिए। टैब आ गया कि मतलब स्पेस देने के लिए, ठीक है, स्पेस टैब आ गया कि मतलब हम क्या करते हैं जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, टैब की पे हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है लॉन्ग स्पेस पे, तो जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा ना तो वो कहाँ चला जाएगा एक टैब आगे चला जाएगा लॉन्ग स्पेस पे। ठीक है, INS कमांड हो गया, इसके हम क्या करते हैं इसको INS को क्या बोलते हैं इंसर्ट बोलते हैं। हमारे कीबोर्ड के ऊपर ये लिखा होता है INS, ठीक है, INS का मतलब क्या होता है इंसर्ट करना। उसके बाद आ गया डिलीट की, डिलीट से हम क्या करते हैं कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। प्रिंट से हम क्या करते हैं प्रिंट्स करते हैं, तो शॉर्टकट है इसकी Ctrl P। उसके आगे हमारा शिफ्ट की, ये शिफ्ट से हम क्या करते हैं मल्टीपल ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि ये सारे के सारे क्या मॉडिफायर हैं, ठीक है, अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल ये सारे के सारे क्या मॉडिफायर हैं, तो इनसे हम क्या करते हैं मल्टीपल मतलब की कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट से हम कुछ कैरेक्टर को शिफ्ट प्लस कोई कैरेक्टर प्रेस करें ना तो उसके द्वारा वो कैपिटल क्या होगा मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर वो प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे मतलब शिफ्ट में A प्रेस करूँगा तो वो क्या होगा कैपिटल A में प्रिंट होगा। उसके आगे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ एब्रीविएशन वगैरह आ गई, जैसे इनपुट आउटपुट आ गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आ गया, MICR इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसके बाद CAD आ गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM आ गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, OMR, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। उसके बाद आ गया ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया CGA कंप्यूटर ग्राफिक अडेप्टर, उसके बाद जैसे मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर, ठीक है, हरक्यूलस ग्राफिक अडेप्टर, ये सारे के सारे कौन से सारे के सारे अडेप्टर आ गए हमारे, ठीक है, एनहांस ग्राफिक अडेप्टर, ठीक है, ये सारे के सारे किसके रिलेटेड है कंप्यूटर ग्राफिक्स में आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इनके सारे के सारे किस में ग्राफिक्स के रिलेटेड है। सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसके द्वारा हमारी विंडोज़ वर्क करती है, ठीक है, GIS आ गया ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, LCD, ठीक है, LCD हो गया, एक LED हो गया, ये सारे सारे क्या हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद DTP आ गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग आ गया, UFC आ गया यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। उसके यहाँ पे कुछ ऑनलाइन के क्वेश्चन लिखे हैं, लेज़र बीम वगैरह, ठीक है कि ये लेज़र। हम चलते हैं मेन अपने नीचे MCQ में, जैसे इनपुट डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारा इनपुट डाटा लेने का काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, हमारा इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स में प्रिंट करता है। मैंने पहले बताया वो क्या करेगा, डॉट 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 करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर आ गया विच फॉलोइंग कनेक्शन टू द कंप्यूटर इज द करेक्ट फॉर द डिवाइसेस कीबोर्ड माउस एंड प्रिंटर रिस्पेक्टिवली। तो वो कौन सा होता है हमारा, ठीक है, कनेक्शन पूछा है बेसिकली। तो ये सारे के सारे क्या है, कनेक्शन होते हैं, ठीक है। PS2 हो गया, PS2, ठीक है, ये पहले पढ़ी, दो बार लिख देना उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का कनेक्शन होता है। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके आ गया द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, हमारा कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का उसने पूछा एग्जाम्पल कौन सा, जो इंटरप्रेटर है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इंटरप्रेटर में क्या करते हैं, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन क्या करता है। मैंने बताया था सबसे पहले लेक्चर में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को मतलब कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आ गया हमारा CD-ROM। तो CD-ROM पूछा, CD-ROM कैन स्टोर डाटा अप टू कितने मतलब स्टोर कर सकता है, वो होता है 600 ऑफ फ्लॉपी डिस्क। उसके आगे इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर, मतलब कुछ आएगी एक तरह का क्या आएगा, इनपुट आएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होती है, हमारे इनपुट, क्यों होता इनपुट डिवाइस से आएगी किसी से। विच डिवाइस कंटेनिंग सेंसर सेंड सिग्नल टू अ कंप्यूटर वन एवर लाइट चेंज एंड डिटेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि वो क्या करता है, जैसे वो लाइट क्या होगी, लाइट की डिटेक्शन वगैरह चेंज होगी तो उसको वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, उसको एज अ सिग्नल पास करेगा कंप्यूटर में। उसका आएगा डिवाइसेस दैट अलाउ पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन नॉट बी यूज्ड मेजर एज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। तो बोर्ड होता है, ये होता है हमारी नेटवर्किंग में, ये होता है, बाकी ये सारे के सारे प्रोसेसर की स्पीड उसमें आती है, ठीक है। उसका ये फ्लॉप्स आ गई, ठीक है, ठीक है। जैसे के बारे पूछे, ये पूछी गई थी, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ऐसे ऐसी पूछी जाती हैं, ठीक है, मिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, ये पूछी जाती हैं थोड़ी। उसका क्या, विच सिस्टम कैन रीड स्पेशल करेक्टर प्रिंटेड इन अ स्पेशल इंक, उसको हम क्या बोलते हैं, MICR, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया, तो हमारे बैंकिंग में होता है, जैसे बैंकिंग में चेक वगैरह किसने देखा होगा, तो उसको चेक में होता है वो लगा हुआ, ठीक है। तो MICR से हम क्या करते हैं, उस चेक को वेरीफाई करते हैं कि हाँ मतलब वो ठीक है कि नहीं है, वैलिड चेक है कि नहीं है। उसके बाद टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट सारे के सारे डिवाइसेस आते हैं। उसके बाद क्या, व्हाट टाइप ऑफ ए कीबोर्ड इज यूज्ड इन अ टेलीफोन एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पूछा कि कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। जैसे किसी ने ATM में देखा होगा, वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके वो कीबोर्ड यूज़ किया होता है, ठीक है, वो पूछा है उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल पूछा, मॉनिटर नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसका विच ऑफ द ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस, पूछा ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस कौन सा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया लाइट पेन, ठीक है, वो क्या एक GUI बेस पे इनपुट डिवाइस है एक। उसके बाद आ गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की करेक्ट पूछे यहाँ पे। तो कीबोर्ड, ये प्रिंटर गलत है, उसके बाद माउस प्लॉटर ये गलत है, उसके बाद आ गया कीबोर्ड माउस प्लॉटर ये गलत है, कीबोर्ड माउस स्कैनर, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, पूछा ये इन सारा में से इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर एक नहीं है, तो वो कौन सा हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस मतलब सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच हेल्प टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं और आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। इनपुट से हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें जो आउटपुट होती है वो डिस्प्ले होती है। उसके आ गया माउस इज ऑल्सो नोन एज, माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। विच इज कंसिडर्ड डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद द स्कैनर, तो स्कैनर के साथ क्या रिलेट करता है, लेजर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, तो बार कोड किसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, थिक एंड थिन लाइन, ठीक है। किसने बार कोड तो देखा ही होगा सभी ने, मतलब ठीक है, कुछ इस ऐसे करके लाइंस लगी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, कोई लाइन हल्की होगी, कोई ऐसी होगी, फिर ऐसी ऐसे करके कुछ एक तरह का कोड बना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे जैसे भी जो द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, तो वो कौन सा होता है हमारा, डेजी व्हील होता है। ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, कि मैंने बताना भूल गया था कि जो ये डेजी व्हील होता है वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है, ठीक है, इनमें से। उसके बाद आ गया हमारा एक तो क्या बोलते हैं, जो द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड अ ड्रॉ डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। जॉयस्टिक आल्सो जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट्स विद, तो जो जॉयस्टिक होती है वो 360 एंगल में, ठीक है, मैंने पहले बताया कि डंडी होती है, ठीक है, वो डंडी क्या होती है, चारों की तरह मतलब 360 मूवमेंट कर सकती है। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हमें पता है सबसे पहले क्या चाहिए, माइक्रोफोन होना ज़रूरी है। प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है, डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सेम क्वेश्चन MICR को, C क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ठीक है, सी होर करेक्टर। उसके बाद कोड्स कंसिस्ट ऑफ बार्स और लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ ऑफ लेंथ एंड लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं, ठीक है, वही लाइंस और बार्स, ठीक है। उसका अगर बीच ऑड वन आउट करना है यहाँ पे, तो माउस हमारा इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, हमारा कीबोर्ड इनपुट है, जो हमारा प्रिंटर आउटपुट है। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड, ठीक है, किसने बिल्ड किया था, डगलस ने, पहले बता दिया मैंने। द डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है डीवीडी, एक ऑप्टिकल डिस्क का। OMR कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है, OMR मैंने पहले बता दिया, OMR कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारी आंसर शीट्स होती हैं वहाँ भी यूज़ करते हैं, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम जो हमारी आंसर शीट्स होती हैं उनको एज ए इनपुट देते हैं हम, मतलब OMR में। फिर जॉयस्टिक क्या है, एक हमारी जॉयस्टिक क्या है, एक तरह की हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो विच इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ए प्रिंटर, प्रिंटर का वैलिड टाइप कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो OCR नहीं है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज, तो सेम क्वेश्चन है कीबोर्ड। द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रांसड्यूसर लिखा था तो आपने वहाँ पे करना था, टिक करना था। अभी जो द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, तो पूछा कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो प्रिंटर क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टाइप प्रिंटर कंटेन अ फ्यूजर असेंबली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूजर असेंबली, क्योंकि फ्यूजर क्या होता है, एक तरह की हीटिंग के लिए जनरेट यूज़ किया जाता है, तो वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, सॉरी लेज़र में यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इसका आंसर थर्मल है या लेज़र है, ठीक है, कि फ्यूजर असेंबली है वो थर्मल में भी यूज़ की जाती है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इसका आंसर थर्मल भी हो सकता है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, तो उसका आंसर क्या है, प्लॉटर है। फॉलोइंग इज अ नॉट एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो वो कौन सा हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट पूछा है यहाँ पे। सेलेक्ट द ऑड वन आउट पूछा है यहाँ पे फिर से, तो जो हमारा प्रिंटर है वो आउटपुट है। which of these is not an output device of a computer, तो जो हमारा जॉयस्टिक है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस पूछा। which of not an output device पूछा, तो जॉयस्टिक है हमारा इनपुट डिवाइस और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस ही बोलते हैं। द आउटपुट प्रिंटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कंडीशनल स्टेज, तो उसमें क्या होता है कि द नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड, द यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द, उसका आंसर क्या है, द यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटो सेंसिटिव ड्रम, ठीक है। उसका आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर, तो उसका आंसर क्या है, एस्पेक्ट रेशियो। उसका आ गया कि विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर ऑफ अ माउस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल की हम हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके आगे ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, ये ट्रैक बॉल किसका एग्जांपल है, पॉइंटिंग डिवाइस का। विच प्रिंटर हैव अ टाइनी हैमर, ठीक है, टाइनी हैमर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टाइनी हैमर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी एक नॉन इम्पैक्ट और लेजर भी नॉन इम्पैक्ट है। उसका आ गया स्कैनर मे हैव अ एडीएफ फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एडीएफ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सिंपली एडीएफ की फुल फॉर्म पूछी है, इसकी क्या होती है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स फीडर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ माउस, तो वो कौन सा हमारा ट्रैक बॉल। स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है पिक्चर एंड टेक्स्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस पूछा है यहाँ पे। स्कैनर आ गया इनपुट, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, कीबोर्ड आ गया इनपुट, माउस ये आ गया इनपुट, फिर आ गया प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये आ गया हमारा आउटपुट डिवाइसेस आ गए सारे। प्लॉटर क्या एक तरह का हमारा आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें पूछा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, तो हमारा कीबोर्ड सबसे पहले मोस्ट यूज़ किया गया, यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस एज आउटपुट डिवाइस इज यूज। आउटपुट डिवाइस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको डिस्प्ले कर सकें। फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस पूछा तो हमारा मॉनिटर है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइसेस सेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन, तो किसके साथ, यूज़र और कंप्यूटर के बीच। नेम द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू मेक सिलेक्शन फॉर मेन्यूज बेस्ड एप्लीकेशन, तो जो मेन्यूज ठीक है जैसे मेरा सिस्टम है कंप्यूटर में जो मेन्यूज होते हैं, ठीक है फाइल मेन्यू हो गया, वो मेन्यू हो गया, या शॉर्टकट वगैरह होती है मतलब विंडोज़ में, तो वो पूछ रहा है कि वो किसी तरह हम यूज़ मतलब वो करते हैं सिलेक्ट करते हैं, तो माउस की हेल्प से करते हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर कैन बी मेजर्ड इन, ठीक है तो स्पीड ऑफ प्रिंटर बेसिक पूछा तो पेजेस पर मिनट। ठीक है, और लेज़र प्रिंटर रेजोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, लेज़र की जो प्रिंटर है उसकी रेजोल्यूशन किस में मेज़र की जाती है, डॉट पर इंच। ठीक है, DPI की इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, शायद ऊपर नहीं दी थी। ठीक है, इसके लिख लेना डॉट पर इंच। ठीक है, ये बार ये पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।